घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी व स्वास्थ्य के लिए त्राही त्राही हो रही है। जिस उम्मीद से लोगों ने विधायक को भारी मत दिलाकर विधानसभा भेजा था, वो उम्मीदें धराशायी होती नजर आ रही हैं। ये बात कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने घुमारवीं में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी व स्वास्थ्य के लिए त्राही त्राही हो रही है तथा जिस उम्मीद से लोगों ने विधायक को भारी बढ़त दिलाकर विधानसभा भेजा था, वो उम्मीदें धराशायी होती नजर आ रही हैं। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने घुमारवीं में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में बिजली के बार बार कट लग रहे हैं तथा इन कटों का कोई समय नहीं है, ये किसी भी समय लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है तथा लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लोग जब संबंधित अधिकारियों को फोन करते हैं तो उनके फोन स्विच ऑफ होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घुमारवीं शहर में पीने की स्कीमों को 22 घंटे चलाया जाता है, उसी तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी स्कीमों को चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों के पीने के पानी की समस्या दूर हो सके। उन्होंने कहा कि घुमारवीं व भराड़ी के हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जिसका पता। साथ ही उन्होंने कहा कि भराड़ी हॉस्पिटल में 1.5 साल से एक्सरे की मशीन पर अटेंडेंट न होने से लोगों को एक्सरे बाहर करवाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हॉस्पिटलों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा सकती तो उनमें ताले लगवा देने चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के समय कई योजनाएं विधायक प्राथमिकता में डाली थी, जिनके लिए धन भी स्वीकृत करवाया गया था। उनमें से कई योजनाएं तो शुरू ही नहीं की गई, वे कुछ को रोक दिया गया है। पिछले 1.5 वर्ष से यहां कोई काम नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो पिछली सरकार के समय के 30 से ज्यादा उद्घाटनों व शिलान्यास पट्टिकाओं को तोड़ने का कार्य हुआ है। उन्होंने सरकार व स्थानीय विधायक से आग्रह किया है कि लोगों को इन समस्याओं से जल्दी निजात दिलवाई जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। इस भयंकर गर्मी में हमारे पास गांव से बहुत सारे लोगों के बार बार फोन आ रहे हैं कि बिजली का पानी का बहुत बुरा हाल है, बार बार कट लग रहे हैं, इसकी वजह से बुजुर्गों को, बीमार लोगों को, बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है और ऊपर से फिर जब पानी की समस्या बढ़ रही है और उसकी वजह से लोग की जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं। तो इस तरह से घुमारवीं में मैं समझता हूँ कि इस तरह से बदहाल हालत में कभी भी जो संस्थाएँ हैं, सरकारी संस्थाएँ हैं, हॉस्पिटल हैं, सरकारी विभाग है, इस तरह से बदहाल हालत में कभी नहीं देखे गए। और आज लोग जो हैं इस बात पे सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि हमने जिस बड़े बहुमत से यहाँ पे नए विधायक बनाए थे, नई सरकार बनाई थी, क्या उन उम्मीदों के ऊपर वो ठीक उतरे हैं। आज समस्या इसलिए ज़्यादा बड़ी है क्योंकि हमारी सरकार के समय में जो हमने परियोजनाएं मंजूर कराई थी, इन 1.5 वर्षों में वो सारी की सारी परियोजनाएं जो हैं, जो काम चले थे उनको रोका गया, जो पैसे सैंक्शन थे उन कामों को वहीं पे रोक दिया गया ताकि कुछ समय बाद 1.5-2 साल बाद इस काम को शुरू किया जाए और उसका झूठा श्रेय लेने की कोशिश की जाए। इस नियत से जब चुना हुआ प्रतिनिधि काम करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ लोगों को राहत मिलने की बजाय उनको ठगने की और उनको गुमराह करने का जो है वो प्रयास हर स्तर पर किया जा रहा है। चुनावों के समय से ये शुरू हुआ था और आज भी वो जारी है। प्रार्थना करते हैं कि भाई ऐसा जुल्म मत ढाओ, लोगों की समस्याओं को हल करो और जो हमारे समय के प्रोजेक्ट हैं वो भी सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, उन कामों को आप मत रोको और उन कामों को होने दो, उससे जनता का भला होगा, लोगों की समस्याएं कम होंगी, चाहे वो सड़कों की स्कीमें हैं, चाहे पीने के पानी की स्कीमें हैं, चाहे सिंचाई की योजनाएं हैं, चाहे वो अन्य संस्थान उनके भवन और बाकी निर्माण की बातें हैं, उन सबको जो है हम पूरा करेंगे, तभी जो है हम लोगों की समस्याओं का जो है वो हल कर पाएंगे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।